हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र जाड़ा स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारी लाइफ के अंदर तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली हो गई बच्चों की एजुकेशन के लिए, दूसरी हो गई बच्चों की शादी के लिए पैसे की जरूरत, और तीसरी होगी खुद की रिटायरमेंट के लिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेस्ट प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें आप सिर्फ 280 रुपये सिर्फ 12 साल देने के बाद में आप लगभग 57.5 लाख का रिटर्न है वो पा सकते हैं। इसमें जो आपकी दो तरह की ज़रूरतें वो पूरी हो जाएगी। एक तो आप ये सेकंड इनकम की तरह, यानी कि आपके बच्चों की जो शिक्षा है ना उसको कवर करेगा, साथ में आपको एक बुढ़ापे में पेंशन के लिए भी एक तरह से तैयार करेगा। यानी आपकी बेसिक दो चीज़ें वो पूरी हो जाएगी इस प्लान के अंदर है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, देखो 25 से 26 साल के बाद जैसे ही शादी हो जाती है, तो उसके बाद है ना 10 साल रहते हैं जितनी हम सेविंग कर लेते हैं कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या है कि पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम अगर सेविंग नहीं होती है तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें बार बार क्या लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके सामने बजाज अलाइज लाइफ इंश्योरेंस का अश्योर्ड वेल्थ वो सेकंड इनकम प्लान वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें आपको है ना दो तरह के बेनिफिट मिलेंगे, यानी बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे मिल जाएंगे और आपकी रिटायरमेंट की दो आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। पूरी प्लान अभी जाननी है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अश्योर्ड वेल्थ गोल हो गया सेकंड इनकम प्लान। इसमें जो हम एज ले रहे हैं, एंट्री एज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25 साल की है एज है वो ले रहे हैं। पेमेंट जो इस प्लान के अंदर आपको करनी है वो करनी है सिर्फ और सिर्फ 12 साल के लिए, और प्रीमियम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 1 लाख रुपए। यानी 1 लाख रुपए का अपना प्रीमियम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर पहली जो किस्त आएगी इसके अंदर 4.5% जीएसटी अलग से जुड़ेगी, ठीक है। दूसरे साल से किस्त जीएसटी रहेगी वो 2.25% की वो जुड़ेगी। यानी पहले साल जो हमारी किस्त बन जाएगी वो 1,45,000 रुपए बन जाएगी। जैसे ही हमने मान लो पेमेंट हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ है 12 साल के लिए, ठीक। 13वें और 14वें साल से हमें क्या करना है, वेटिंग लेना है। ये 13वां साल हो गया, ये तो हो गया 14वां साल। इसमें ना तो हमें पेमेंट जमा करनी है ना हमें पेमेंट है वो मिलेगी। अब जैसे ही 15वां साल आ जाता है, 15वां साल आते ही आपको गारंटेड मिलेंगे 1,52,000 रुपए। वो मिलेंगे, आप मंथली भी ले सकते हो। मंथली के हिसाब से मान लो ईयरली आपको 1,52,000 रुपये मिलेंगे, इसको आप मंथली डिवाइड करके वैसे भी ले सकते हो। तो 1,52,000 रुपये आपको कंटिन्यू आगे मिलेंगे 30 साल तक। कितने साल तक? 30 साल तक कंटिन्यू मिलेंगे ये आपको, ठीक। टोटल जो हम देखेंगे वो आपको लगभग मिल जाएंगे 45,67,000 रुपये, 45.67 लाख रुपये। अब जैसे ही आपका देखो 30 साल का टाइम पूरा हो जाता है, मान लो आपने 15वें साल से लेना स्टार्ट कर दिया, आगे 30 साल तक आपने कंटिन्यू पैसे ले लिए, ठीक। तो लेने के बाद में क्या होगा, जो आपने 12 लाख रुपए पे किए हैं 12 साल तक, तो वो आपको प्लस में 12 लाख रुपए और वापिस है मेच्योरिटी के रूप में, वो 12 लाख रुपए और मिल जाएंगे वापिस। तो टोटल जो आप लगभग देखेंगे वो आपको मिल जाएंगे 57.67 लाख रुपए। यानी आपने 25 वर्ष जब आपने एज हुई तब आपने भरना वो पे करना शुरू किया, आपने 35 साल तक सॉरी 37 साल की एज तक है वो पैसे वो दिए, 38वें और 39वें साल में आपने क्या वेटिंग कर ली, ठीक है। तो जैसे ही आप होते हैं यहाँ पे आपकी एज होती है 40 साल, 40 साल की अगर आपकी एज होती है तो आपको 1.5 लाख रुपए हर साल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आगे आपको मिलेंगे जब तक आपकी एज है वो 70 साल की हो जाती है, तब तक आपको ये 1.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। और जैसे ही आपके 70 साल की एज आपकी पूरी होगी और आपने इतने पैसे ले लिए, तो आपको 57.5 यानी सॉरी ये 12 लाख रुपए अलग से मेच्योरिटी है वो मिल जाएगी। टोटल आपको 57.5 लाख है वो मिल जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम 1 लाख रुपए की अपनी किस्त भरते हैं पहले साल की, तो उसके भरने के साथ जो पहले दिन से ही हमारा जो नेचुरल रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा 12 लाख रुपए का, प्लस में जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा, यानी कि अगर एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो पहले दिन से रिस्क कवर चलेगा वो मिलेगा 24 लाख रुपए का। यानी ये अलग से बेनिफिट है इसका। साथ में एक क्या होती है, लोन की भी फैसिलिटी होती है, क्योंकि कई बार हमारी ऐसी जरूरतें होती है जिसमें हमें लोन के लिए एक बार पैसे चाहिए होते हैं, तो वहां पर ये फैसिलिटी है, जितना भी अमाउंट हम पे करते हैं उसका आप 60 से 70% का लोन की तरह एक बार से निकलवा के आप है यूज कर सकते हो। ये जो आपको फैसिलिटी मिलेगी ये आपको 2 साल की इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद में आपको
मिलेगी। इसके साथ आप अलग से इसका राइडर भी ले सकते हो। राइडर के अंदर जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया, डिसेबिलिटी का राइडर हो गया, तो उसके साथ प्रीमियम है कोई 2-4 हज़ार रुपए, वो और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आपकी कैसा लगा आपको ये मेरा प्लान, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।